टुडे इज सैटरडे एंड ऑब्वियसली टुडे इज द डे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सेकंड हैंडआउट सॉल्व कर रहे थे. सेकंड हैंडआउट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंप्लीट करेंगे. देन मैंने आपको जो है लास्ट टाइम थर्ड हैंडआउट सेंड किया है ड्यूटिव का फॉर्म में. एमसीक्यूज का थर्ड हैंडआउट आपको ग्रुप्स में सेंड आउट किया है. तो हम कोशिश करेंगे आज अगर हमारा सेकंड हैंडआउट एंड हो जाते हैं तो आज हम अपना थर्ड हैंडआउट भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर लिए एंड आई होप आपने उसको है. ओके, लास्ट टाइम हमने सेकंड हैंडआउट के क्वेश्चंस किए थे और इसके क्वेश्चन हमने किए थे अप टू 75 और 76 हमने नहीं किया था कि मैंने कहा था कि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट है और ब्रेक इवन पॉइंट को पहले मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट और फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको ले गया था क्वेश्चन नंबर 87 पे, 88 पे, 89 पे एंड सो ऑन. और मैंने ये कहा था कि आगे क्वेश्चन जो हैं आपके सिमिलर हैं तो इनको आप देखा भी होगा, सॉल्व भी किया होगा. तो हम इसको एक फाइनल टच देके इस हैंडआउट को कोशिश करते हैं कि आज हम इसको खत्म कर दें. और अगर हमारा एंड हो जाता है ये तो फिर हम अपना ड्यूटी का हैंडआउट जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो मैं आऊंगा अपने क्वेश्चन नंबर 76 पे. इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा करेंगे व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट. And I think आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं. वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, एक सिंपल डेफिनेशन ये है नो प्रॉफिट नो लॉस. A level at which there is no profit, no loss is known as break-even point. A point, a level at which profit equaling to zero. So X is known as break-even. Aisa point जो आपके प्रॉफिट को जीरो कर दे उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. अगर एक्स हमारा नंबर ऑफ यूनिट है जिसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अगर उस यूनिट ऑफ नंबर्स पे नंबर ऑफ यूनिट्स पे हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाता है तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा, अ पॉइंट विच इक्वेट रेवेन्यू फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन. तो हम इस एक्स को कहते हैं दैट इज ब्रेक इवन. एक ऐसा पॉइंट जो आपके रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट के फंक्शन को इक्वल कर दे उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. एक और बायोग्राफिकली दैट इज द ग्राफ ऑफ रेवेन्यू फंक्शन and that is the graph of cost function and when they both function intersects to each other at a single then that point is known as break even point. So there are so many definition of break even. aap break even ko define karna chahte hain to sabse achhi definition ye hai कि ऐसा पॉइंट हम कंप्यूट कर लें जिस पर प्रॉफिट भी जीरो है लॉस भी जीरो. नो प्रॉफिट नो लॉस.
अगर हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं जिस पे हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाए, तो हम उस पॉइंट को ब्रेक इवन कहते हैं। अगर हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं जिस पर हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट इक, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन कहते हैं। एक ऐसा कर लेते जिस हमारा एक एक्स करता है, उस पॉइंट को हम ब्रेक, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा लेवल होता है जिस पर हमारा रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल हो जाता है, जिस पे हमारा प्रॉफिट जीरो होता है, जिस पे ग्राफ में अगर हम देख ऐसा पॉइंट होता है पे कोई प्रॉफिट नहीं होता। एक अच्छा बिजनेसमैन जो है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे, एक होता है रन कर उसको रन करता है। बिजनेस कहां मैंने उस पे ऊपर रहना है, और ऊपर ऊपर रहने के लिए वो हार्ड वर्किंग करता है, अपने बिजनेस को और ऊपर की तरफ लेके जाता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ब्रेक इवन से ऊपर रहे। क्योंकि नो डाउट अगर ब्रेक इवन पे आ गया तो प्रॉफिट लॉस इक्वल हो जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता ब्रेक इवन से नीचे हो गया तो फिर क्या होगा, फिर सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, फिर प्रॉफिट नहीं होगा। ये आपका ब्रेक इवन है, जो एक अच्छा बिजनेसमैन जो है इस लेवल को डिफाइन कर लेता है कि मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल आउट हो कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मुझे कंप्यूट कर चाहिए। अब मुझे एक्स की वैल्यू जो है उस ब्रेक इवन से अबव रखनी है, एक्स इज ग्रेटर देन ब्रेक इवन, तो मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर खुदा ना खास्ता मेरा एक्स जो है, नंबर ऑफ यूनिट जो है, वो ब्रेक इवन से लेस हो गया, फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। तो ब्रेक इवन से अगर आप नीचे आएंगे ना तो आपको लॉस होगा, ब्रेक इवन के ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएंगे, एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इस पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस होगा। तो एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, ब्रेक इवन के ऊपर ऊपर रहता है, ब्रेक इवन पे भी नहीं आता और उसके नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके ऊपर ऊपर रहने के लिए वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है कोशिश करते हैं ब्रेक इवन से ऊपर रहे और मैक्सिमम प्रॉफिट उसको किया। ये स्ट्रेटेजी होती है ब्रेक इवन। फिर हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ, डायरेक्ट कंप्यूट करने का भी हमारे पास फार्मूला है, हम लेट कर लेते हैं एक्स बी ब्रेक इवन पॉइंट, देन एक्स बी ई को हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कंप्यूट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन, वेयर प्रॉफिट मार्जिन कैन बी डिफाइंड एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस of single product and cost price of single product, that is profit margin is equal to selling
price minus cost price. But single product key selling price, single product key cost price. जब आप इनको माइनस करते हैं, इनका डिफरेंस कंप्यूट करते हैं, तो ये कहलाता है प्रॉफिट मार्जिन. और जब आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट मार्जिन से डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट आपका बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट. तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को डायरेक्ट भी कंप्यूट कर सकते हैं. मतलब हम कोई भी प्रॉफिट का फंक्शन डिफाइन नहीं करें, कोई भी रेवेन्यू का फंक्शन डिफाइन नहीं करें, कोई भी कॉस्ट का फंक्शन डिफाइन ना करें, हम डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट मार्जिन से डिवाइड करके. वेयर प्रॉफिट मार्जिन कैन बी डिफाइन एज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो ये जो सेलिंग प्राइस मैंने लिखा है, ये सिंगल प्रोडक्ट की है. ऊपर मैंने वर्डिंग में लिख दी है, यहाँ फार्मूले में नहीं लिखा, वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है कि सिंगल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस. जब आप दोनों को माइनस करते हैं, इससे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आता है. प्रॉफिट मार्जिन को जब आप फिक्स कॉस्ट डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट. इसको इस फॉर्मूले से भी कंप्यूट किया जा सकता है. बाकी मैंने आपको ये कंडीशन दी है कि आपके पास फंक्शन है, कंप्यूट कर सकते हैं कॉस्ट गिवन है या कंप्यूट करते हैं को इक्वल कर दें और एक्स कंप्यूट कर लें, ये काम भी कर सकते हैं. अगर आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है, हम उसको इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स निकाल लें, ये काम भी हम कर सकते हैं. ग्राफिकली हमारे पास दो, हम उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, ये काम भी हम कर सकते हैं. तो यहां से भी हम ब्रेक इवन निकाल सकते हैं और इस फॉर्म से भी ब्रेक इवन का पॉइंट कंप्यूट कर सकते. एंड इफ एक्स बी इज नॉट अ ब्रेक इवन, मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी तो होते हैं ना कि हर प्रॉब्लम में हमने ब्रेक इवन नहीं कंप्यूट करना होता. कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रॉफिट की वैल्यू देता है वो आपको, वो कहते हैं प्रॉफिट को गेन करना है. तो जहां पर प्रॉफिट को गेन करना होगा या जहां पे लॉस को जो है वो गेन करना होगा, वहां पे फिर हम ब्रेक इवन से ऊपर आ जाएंगे या नीचे आ जाएंगे. भाई अगर हमने कुछ प्रॉफिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देता है कि इस प्रॉफिट को जो है वो गेट करना है, इस प्रॉफिट अचीव करना है, तो इसका मतलब है हम ब्रेक इवन से ऊपर आ गए. कोई कहता है लॉस को बढ़ना, इसका मतलब है हम ब्रेक इवन से नीचे आ गए. और अगर हमने एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. तो अगर हमने ब्रेक इवन कंप्यूट नहीं करना, ऐसी वैल्यू कंप्यूट करें जो ब्रेक इवन से अबव हो, मतलब वहां पे हमें कुछ प्रॉफिट गेन हो, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं ना, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा. और जहां पे हमें लॉस हो रहा है उसके हमारे पास एक्स का फॉर्मूला क्या होगा. ये तो ब्रेक इवन का हो गया ना. और ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट का मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस. तो ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास जीरो प्रॉफिट हो, जीरो लॉस. और अगर प्रॉफिट जीरो और अगर लॉस जीरो नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे. ये यहां नोट में देखिए. If X is not a break even, अब ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इसमें हमारे पास X break even नहीं है, मीन हमारा प्रॉफिट जीरो नहीं है, हमारा लॉस जीरो नहीं है. प्रॉफिट या लॉस की कोई वैल्यूज है के अंदर, तो हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट. ये तो आपको पता है ना कि अगर प्रॉफिट को प्लस करेंगे
तो दैट इज कंसीडर्ड एज प्रॉफिट, और अगर हम माइनस करें दैट इज कंसीडर्ड एज लॉस. ये तो हमें पता है ना, प्रॉफिट के साथ प्लस का साइन हो तो हम इसका मतलब है गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ अगर नेगेटिव का साइन आ जाए इसका मतलब हम वहां पे लॉस कर रहे हैं. ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन. तो पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर हमें प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है तो हम उसको ऐड करेंगे, अगर उसने लॉस की वैल्यू दी हुई है तो हम उस वैल्यू माइनस कर देंगे. ये हमारा ब्रेक इवन का फॉर्म हो गया, और ये हम विदाउट ब्रेक इवन फॉर्म. बाकी हम यहां से ब्रेक इवन, ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो कि ब्रेक इवन हमारा क्या होता है, और हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ. एक्सरसाइज का मतलब जो हमारा हैंड आउट है उसके जो एमसीक्यूज कर रहे थे हम, हाँ वो उसकी तरफ. ओके जी, हैंड आउट आई थिंक आपने ओपन कर लिया होगा. तो उसका क्वेश्चन नंबर आज है 76 में देखने क्या कहा आपको, अ फर्म सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर रुपीज 45 पर यूनिट. एक फर्म अपने प्रोडक्ट का एक यूनिट 45 रुपीज के अंदर सेल आउट करता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर रुपीज 33 एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 450. कॉस्ट के फंक्शन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है. हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन लेवल को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट हैं वो सेल आउट की कि हम ब्रेक इवन पे पहुंचे. तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन पॉइंट, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. मैं दोनों मेथड आपके सामने कर देता हूं, और दो मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड में हम रेवेन्यू का फंक्शन और कॉस्ट का डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम कर लेते हैं. हम लेट कर लेते सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट क्या है, 45 को हम x के साथ लिख देंगे. फिर हम डिफाइन करते हैं कॉस्ट के फंक्शन को, कॉस्ट के फंक्शन में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट दिए उसने 33 रुपीज, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट दी है 4,000. देखिए पॉइंट निकालने ब्रेक, तो ब्रेक इवन बाय डेफिनेशन ले रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों करते हैं, 45x माइनस इक्वल्स टू 33x प्लस 450,000. मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, 33x को इधर ले माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दें 12x से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 450,000 डिवाइड बाय 12, एक्स क्या आ जाएगा 450,000
डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर आ जाएगा 37500. दिस इज योर फर्स्ट. आपने ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना था, तो मैंने ब्रेक इवन की जो कंडीशन यूज की है वो ये यूज की है कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ के रैमिल फंक्शन डिफाइन कर लिया, कॉस का फंक्शन डिफाइन कर लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल करके मुझे एक्स कंप्यूट कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. By using this formula, fixed cost 450,000. Profit margin हमने क्या किया है, selling price of single unit minus cost price of single unit. इसको सॉल्व कर लें, 450,000 डिवाइड बाय 12, इस आंसर देखें 3700. तो हम यहां के फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम यहां पे ये टेक्निक यूज कर सकते हैं. ठीक है, मेथड आपके सामने है, दोनों भी मेथड यूज कर लें जो आपको आसान लगे. ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व हो गया. 76 के रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. Okay, next question is 77. NGOs is to raise ₹10,000. 500 chances will be sold on a new car. The cost the organization ₹15,000. Now, how much should each cost if the organization wishes to net profit of ₹10,000? हमारे यहाँ तो वो पहले ऐसा होता था, कुछ रेफर स्टिकर्स होती थी, वो सेल आउट होती थी, फिर उस पे हमारा एक बड़ा इनाम होता था, फिर वो इनाम जो है किसी एक पर्सन को जो है वो दे दिया जाता था, और उस रेफर टिकट्स के अंदर से जो गेन होता था उस प्रॉफिट से कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जीवों की मदद करते हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं, उनको चलाया जाता गवर्नमेंट की तरफ से. अब तो हमारी है बाहर कुछ इलाकों में, कुछ कंट्रीज में ऐसा अभी भी, तो उस टाइप की एक एग्जांपल है. एन एनजीओस इज प्लानिंग टेफल टू रेज ₹10,000. 500 चांसेस विल बी सोल्ड ऑन अ न्यू कार. द कार विल कॉस्ट ₹15,000. वेट अ मिनट, कमिंग ओके जी, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि
कि एक एनजीओज है वो प्लान कर रही है रेफर को सेल आउट के, उसमें कोई एक बड़ा इनाम है गाड़ी का, उसको बेच के जो है वो अपने जो भी उनका ट्रस्ट है उसको चला रही है। अच्छा, इसमें से ये कहा हुआ है कि इस प्लानिंग को चलाने के लिए जो है 10,000 का खर्चा आ रहा है। प्लानिंग आर रेफर टू रेस 10,500 चांसेस, 10,000 का प्रॉफिट है। एनजीओज इन आर रेफर टू रेस 10,000 तक रेस, मतलब 10,000 उसका प्रॉफिट गेन करने के लिए प्लानिंग की जाए। जो भी हम रेफर टिकट को परचेज सेल आउट करेंगे में जो भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए वो 10,000 तक होना चाहिए। अच्छा, उसमें 500 चांसेस हैं कि हमारी नई कार जो है वो सेल आउट हो जाए। 500 चांसेस का मतलब क्या हो गया, 500 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने रेफर टिकट परचेज किया, मतलब रेफर टिकट की जो कुल परचेजिंग है वो 500 टिकट सेल आउट हो चुकी। 500 चांसेस हो गए कि को जो है वो गाड़ी मिलेगी, इसका मतलब 500 टिकट जो है वो सेल आउट हो। द कार विल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन ₹15,000। अच्छा, कार जिसको कार शामिल होगी ना, वो रेवेन्यू में शामिल थोड़ी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जा रही है, आउट वैल्यू होगी वो कॉस्ट में जाएगी ना। आपको बताया था जो वैल्यू आउट होती है वो कॉस्ट होती है, जो वैल्यू इन होती है वो रेवेन्यू होती है। 10,000 का प्रॉफिट लेना है, 15,000 कॉस्ट में आ रहा है, मतलब फिफ्थ नई गाड़ी है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उस बंद देनी है जिसका इनाम निकलेगा। हाउ मच ईच टिकट कॉस्ट इफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रॉफिट ऑफ 10,000। अब मैनेजमेंट ये चाह रही है 10,000 को उसको प्रॉफिट भी हो जाए, और अगर किसी को उसने गाड़ी दी है उस गाड़ी की वैल्यू है 15,000 वो भी उसके अंदर से कॉस्ट उसकी निकल है, मतलब प्रॉफिट भी गेन हो और कॉस्ट भी निकल है उसमें से। हर टिकट प्राइस क्या रखें, टिकट की प्राइस क्या रखें जिससे हमारा खर्चा भी पूरा हो जाए और हमें टेन का प्रॉफिट। उसने आपसे टिकट हाउ मच शुड ईच नेशन विश टू नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को तो हमारे पटा क्या की बने, हमने प्रॉफिट गेन करना है 10,000 का। हमारे पास जो गाड़ी की कॉस्ट आ रही है जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है जो हमने देनी देनी, अगर किसी बंदे का इनाम निकल आया तो उसको हमने ये देना है 15,000। और 500 चांसेस मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी सेल आउट हो चुकी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने प्रॉफिट की वैल्यू आपको दे दी है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक इवन कंप्यूट देंगे। तो नोट में मैंने फॉर्मूला लिखा था ना कि जिसमें मैंने लिखा था इट इज नॉट अ ब्रेक इवन, अब हम उस यहाँ पे क्योंकि आ गए ना, इसका मतलब जीरो मतलब है एक्स हमारा ब्रेक नहीं होगा, एक्स ब्रेक इवन उस वक्त होगा इक्वल टू जीरो होगा, फिर तो प्रॉफिट 10,000 का मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर एक्स हमारा ब्रेक इवन नहीं है। अब हम ब्रेक इवन से ऊपर आ गए, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं ना तो ब्रेक इवन से ऊपर आ गए, तो जब ऊपर आ गए तो हमने क्या चीज कंप्यूट करनी है, इसको हम प्रॉफिट प्राइस हम
कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन. फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन ही बना लिख देता हूँ. टिकट कॉस्ट इधर ले, टिकट कॉस्ट इधर आ जाएगी और 500 इसकी जगह आ जाएगा. तो इनको ऐड कर दें, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 25,000 डिवाइड 500. तो ये बन जाए क्या 2050. तो अगर आप टिकट की कॉस्ट 50 रुपीज रखेंगे और अगर ये कंफर्म हो कि 500 आदमी सेल आउट हो जाएगी, तो फिर अगर आप इनको गार्ड थाउंड की तो आपको उस रेफर टिकट से 10,000 का प्रॉफिट गेन हो जाएगा 15,000 निकालने के बाद. मतलब गाड़ी किसी को दे दें 15,000 की, गाड़ी किसी को 500 टिकट अगर आपकी सेल आउट हो जाती हैं और अगर हर टिकट की प्राइस 50 रुपीज है, तो आपको इस प्ले से 10,000 का प्रॉफिट जो है वो गेन हो जाएगा. आप 10,000 से अपने ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका ट्रस्ट है उसको चला सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन था. तो इस क्वेश्चन में देखें, हमने ब्रेक इवन कंप्यूट नहीं करना था क्योंकि हमें प्रॉफिट की वैल्यू 0 नहीं दी थी, 10,000 दिया होता. तो यहां पर हमने क्वेश्चन को पढ़ते हुए डिसाइड किया कि यहां पे हमने ब्रेक इवन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर, विदाउट ब्रेक इवन वाला फॉर्मूला यूज कर. ठीक है जी, अब आप देख इसका ऑप्शन हमारा क्या बन सकता है. 50 ऑप्शन डी होगी. का ऑप्शन डी हो गया. इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट. फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78. उसने कहा है अ पब्लिशर हैज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 250,000 एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक. द कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ईच बुक इज 25. हाउ मच द नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड टू सेल इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन. इस क्वेश्चन उसने आपको गिवन क्या दिया हुआ है, पहले उसको स्पष्ट कर लेते हैं. 78 में हमारे पास गिवन है, दैट इज $250,000 एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स. द कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ईच बुक इज रुपीज. हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया ये 6.25 हो गया. हाउ मच नंबर ऑफ बुक्स इज रिक्वायर्ड टू सेल आउट इन ब्रेक इवन. अब हमने एक्स ब्रेक इवन कंप्यूट कर, सिंपल एक्स बी का फॉर्मूला लिखें और उसमें वैल्यूज पुट कर दें. फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन, वैल्यूज पुट कर दें, दैट इज 250,000 डिवाइड बाय 6.25. ये आपका ब्रेक इवन आ जाएगा. इसको डिवाइडेड बाय 6.25.
तो ये आ गया 40,000। ये हमारा ब्रेक इवन आ गया। तो ऑप्शन देख ले, इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 देखें। व्हाट इज टू बी अर्न इफ 50,000 बुक्स सोल्ड इन अबव क्वेश्चन नंबर 78। अब वो कह रहे हैं 78 के अंदर हम इतनी बुक सेल आउट नहीं कर रहे हैं, हम 50,000 सेल आउट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेक इवन से अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन से नीचे आएंगे तो लॉस होगा। अब वो 50,000 की बात कर रहे हैं, तो 50,000 40,000 से अबव हो गया ना, इसका मतलब कुछ प्रॉफिट होगा। और उसने वो प्रॉफिट भी आपको अच्छा बताया नहीं है, प्रॉफिट हमने कंप्यूटर, व्हाट इज द प्रॉफिट, उसने आपको बता दिया है कि बुक्स इतनी सेल आउट नहीं हो रही बल्कि 50,000 सेल आउट हो रही है। अगर बुक्स 50,000 सेल आउट होती है तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा? तो ये तो कंफर्म है कि 50,000 इससे अबव है तो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेक इवन है ना 40,000। तो 50,000 इससे अबव हो गया तो इसका मतलब है प्रॉफिट होगा। तो अब हम एक्स को ब्रेक इवन नहीं लेंगे, एक्स इज नॉट अ ब्रेक इवन। ये हमने फॉर्मूला लिखा जिसमें हमारा x ब्रेक इवन नहीं होता। इसमें हम आप वैल्यूज पुट कर दें, x क्या है, x को पुट कर दें 50,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है 250,000। प्रॉफिट हमने कंप्यूट करना है, इसको वैसे का वैसे लिखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कितने 6.25। ठीक है, 78 वाला डेटा हमने इसमें यूज करना है। उसने क्वेश्चन में लिखा है ना 78 वाला डेटा हमने इसमें यूज करना है। तो अब आप 50,000 को 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आ जाएगा 312500 इज इक्वल टू 250,000 प्लस प्रॉफिट। इसको मैं यहां पे जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको ये आंसर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पे जाके माइनस कर दें, 312500 माइनस 250,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब आप यहां से प्रॉफिट के निकाल लें, माइनस 250,000, ये आंसर आ गया आपके पास 62500। अब आप इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या आ रहा है 6250 ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अज्यूम दैट अ मैन कैन परचेज अ नीडेड कंपोनेंट फ्रॉम सप्लायर ऑफ रुपीज 9.50 पर यूनिट in rupees 1,000 equipment and produce the item at a cost of rupees 7 per unit. What is the quantity for which the total cost are equal for the make and buy alternate? Wait a minute, I am coming.
तो इस क्वेश्चन में देखें, उसने हमें दो किस्म के ऑल्टरनेट दिए हुए। एक ऑल्टरनेट ये है कि एक कंपनी को जो है कोई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको कुछ यूनिट्स चाहिए, उसको कुछ उसका मटेरियल चाहिए, उसकी कोई कोई प्रोडक्ट का यूनिट चाहिए जो उसने अपनी किसी भी मशीन के अंदर या उस कंपनी को रिक्वायर्ड है कुछ कंपोनेंट्स। उसके बाद दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि वो उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट से एज इट इज परचेज कर ले, बना बनाया मतलब उसको मार्केट से जाके परचेज कर ले। और दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि थ्रू एम्प्लॉय, जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं, जो भी उसके लेबर्स हैं, उसके थ्रू वो उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर ले, खुद मैन्युफैक्चर कर ले या उसको मार्केट से जाके परचेज कर ले, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। मतलब उसको 100 यूनिट्स चाहिए तो वो 100 यूनिट्स जाके मार्केट से देख ले, उसको सस्ते परचेज कर। अगर खुद बनाता है बनाने तो वो 100 यूनिट्स वो खुद बैठ के बना ले अपने लेबर्स के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू। और अगर मेकिंग में उसको ज्यादा खर्चा पड़ रहा है तो उसको कम खर्चा है, तो बाइंग उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट। और अगर बाइंग उसको महंगा पड़ रहा है, मेकिंग उसको सस्ती पड़ रही है कॉस्ट, फिर मेकिंग उसके लिए बेस्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर को बताया हुआ है कि अगर कोई अज्यूम दैट अ मैन्युफैक्चरर कैन परचेज अ नीडेड कंपोनेंट फ्रॉम अ सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹9.50 पर यूनिट, अगर वो किसी सप्लायर से उसको परचेज करते हैं तो वो यूनिट उसको पर यूनिट पड़ता है 9.50, एक यूनिट उसको पड़ता है 9.50 का एक यूनिट। और अगर वो इस प्रोडक्ट को बैठ के मैन्युफैक्चर करते हैं तो कंपोनेंट जो है उसको एक कंपोनेंट ₹7 पर यूनिट है, और फिर नो डाउट उसकी फिक्स कॉस्ट भी है कुछ, जिसमें बिजली का खर्चा है कुछ और भी है, तो वो है 60,000। तो 60,000 मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट जो करते हैं, मतलब आप कोई यूनिट मैन्युफैक्चर ना करें आप लाजमी खर्चा आए, उसके बाद जितने कंपोनेंट बनेंगे उसका ₹7 पर यूनिट के हिसाब से खर्चा है। तो अगर सप्लायर से परचेज किया जाता है तो वो पड़ता है 9.50 का, और अगर उसको खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वो कंपोनेंट एक आपको पड़ता है ₹7 का, और प्लस उसकी कुछ फिक्स कॉस्ट है 60,000। तो अब हम
जी फॉरी फॉर नेटवर्क का इशू आ गया था। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 80 की, और हमने ये कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है और दोनों फंक्शन कॉस्ट के हैं, उसमें कोई रेवेन्यू का फंक्शन नहीं है, दोनों कॉस्ट के फंक्शन है। बट लॉजिक इज सेम, जैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट को कंप्यूट करने के लिए रेवेन्यू और कॉस्ट के फंक्शन को इक्वल करके एक्स फाइंड आउट करते हैं, यहां पे हमने मेकिंग और बाइंग कॉस्ट के फंक्शन को इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल, तो हमारे पास लॉजिक सेम हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट एप्लीकेशन डिफरेंट हो गई। एप्लीकेशन में हमने ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट नहीं करना, हाँ